अतरंगी पटाखा। दिवाली है दीपों का त्योहार, रंगीन रंगोली और फराल का त्योहार। हैप्पी वाली दिवाली अपने साथ नई उम्मीद और नया उत्साह लेकर आती है। अरे पटाखे कैसे भूल गए, जैसे ही दशहरा होता है उसके बाद ही पटाखों की आवाज आनी शुरू हो जाती है और बच्चों में पटाखे खरीदने का एक अलग ही उत्साह उमड़ आता है। नरक चतुर्दशी के दिन गट्टू और चिंकी जल्दी उठकर अपने ऊपर नरक गिरने से बच गए। मम्मी पापा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मम्मी पापा। हैप्पी दिवाली गट्टू चिंकी। हैप्पी दिवाली बच्चों, चलो जल्दी से नहा लो और मंदिर जाकर आना। मम्मी, मैं गट्टू से पहले उठी हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर नरक नहीं पड़ा ना? नहीं, मैं चिंकी से पहले जागा। इस साल किसी पर भी नरक नहीं पड़ा, तभी सूरज से पहले जाग गए, ठीक है? हाँ मम्मी, वरना हर साल गट्टू देर से उठता है, इस साल कुछ तो अलग हुआ है। गट्टू ने मुंह बनाकर चिंकी को देखा। मम्मी पापा हंस पड़े। मंदिर जाने के लिए गट्टू और चिंकी अपने दोस्तों के साथ निकले। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, क्या प्लान है इस दिवाली का? प्लान तो यही है कि ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है और पटाखों के साथ मस्ती। इस साल तो मैं पटाखों की बड़ी लड़ी लेने वाला हूँ। मैं भी सुतली बम लूंगा, साथ में लक्ष्मी बम भी। अरे लेकिन हमें ऊंची आवाज वाले पटाखे नहीं खरीदने चाहिए। भूषण सही कह रहा है, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बस फुलझड़ी ही जलाऊंगी। अरे नहीं, पटाखों से तो मुझे भी डर लगता है, मैं तो नहीं जलाऊंगी पटाखे। इस साल हम सभी जाकर पटाखे खरीदेंगे, क्यों, क्या कहते हो गट्टू? हाँ, इस साल तो मैं स्पेशल पटाखे जलाने वाला हूँ, बस देखते रहना। पटाखे तुम ही जलाना, मैं और पिंकी मिलकर रंगोली बनाएंगे और सोसाइटी को सजाएंगे। हाँ मम्मी कहती है पटाखे नहीं जलाने चाहिए, चलो चिंकी रंगोली की ड्राइंग बुक पर डिजाइन बनाते हैं। बातों बातों में बच्चे मंदिर पहुँचे। दर्शन लेकर सभी बच्चे सोसाइटी वापस लौट आए। पिंकी और चिंकी ने मिलकर ड्राइंग बुक में रंगोली के लिए रंगीन डिजाइन बनाई। वाओ, हम यही रंगोली निकालेंगे। जिस दिन का बच्चे फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू होने से पहले इंतजार करते हैं, वो दिन आ ही गया। सोसाइटी किसी दुल्हन की तरह सजाई गई, हर तरफ रोशनाई। चिंकी और पिंकी ने मिलकर रंगोली बनाई। बच्चों की टोली गट्टू के साथ मार्केट से घर लौटी। साथ में पटाखों की बैग देखकर चिंकी बोली, गट्टू तुमने तो काफी पटाखे खरीदे। हाँ चिंकी, बहुत सारे। और गट्टू वहाँ से चला गया। इससे क्या हो गया? गट्टू चिंकी नए कपड़े पहनकर पापा और मम्मी के साथ तैयार हो गए। सबने मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली त्योहार का हम क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन भी तो खाने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी के पूजन का त्योहार है दीपावली। संपन्नता का उत्साह है दिवाली। सुंदर रंगोली की सजावट है दिवाली। पटाखों के लड़ी की आवाज है दिवाली। मम्मी देखो ना, गट्टू ने बहुत बड़ी पटाखों की लड़ी लाई है। गट्टू बेटा, पटाखों की लड़ ज्यादा शोर करती है और वैसे भी आवाज वाले पटाखे जलाना अलाउड भी नहीं है, तुम कहाँ से ले आए? सरप्राइज है, बाहर चलो ना, मेरा सरप्राइज पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा, लड़ी जलाकर मजा ही लोगे ना, बस चलो तो सही चिंकी। मम्मी ने नीचे जाने से पहले फराल गट्टू चिंकी और पापा को दिया। मम्मी ने सबको फराल में चकली सेव लड्डू और चिवड़ा दिया। मम्मी के हाथ से बना चटकदार चिवड़ा और मीठे मीठे लड्डू खाने के बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। बाकी सब अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा कर पटाखे जलाने एक साथ आए। अरे वाह चिंकी पिंकी, सुंदर रंगोली बनी है, बहुत सुंदर है बेटा। थैंक यू आंटी। चलो चिंकी, सब मिलकर लड़ी लगाते हैं। अरे नहीं नहीं गट्टू, मुझे डर लगता है। क्या तुम भी डरपोक चिंकी। मम्मी देखो ना, गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है। गट्टू
चिंकी अगर पटाखे नहीं जलाना चाहती तो ठीक है ना बेटा, उसे चिढ़ाओ मत। नहीं मम्मी, मैं हल्के फुल्के पटाखे जलाऊंगी। इस बात पर सभी हंस पड़े। गट्टू ने पटाखे की बैग लाई। वाह गट्टू, इतनी बड़ी लड़ी लाए हो, कितना आवाज करेगी है? ये लड़ी मैं सब में बांटूंगा, चिंकी को छोड़कर। मुझे चाहिए भी नहीं। चिंकी पिंकी एक साथ सुरसुरी चलाने लगी। गट्टू ने सब में एक पटाखे का डिब्बा थमाया, जो लड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या है गट्टू? ये लड़ी तो नहीं है? हाँ मम्मी पापा, ये लड़ी नहीं है, ये मेरा हैप्पी दिवाली वाला सरप्राइज है। ये किस तरह से बजेगा? मैं बताता हूँ, सबसे पहले सभी लोग इसे जमीन पर रख दीजिए, सभी इसे एक साथ ही जलाएंगे। गट्टू चिंकी को आवाज देने लगा। चलो ना चिंकी, सभी अतरंगी पटाखा जलाने वाले हैं। मुझे डर लगता है, तुम्हें जलाना अपना अतरंगी पटाखा। गट्टू के साथ सभी ने पटाखा जलाया। सभी पटाखे से दूर भाग गए, लेकिन गट्टू वहीं का वहीं खड़ा रह गया। हट जाओ बेटा, वो पटाखा फूटने वाला है, हट जाओ उधर से। ये तो लड़ी नहीं लगाई है, तो ये क्या है? और गट्टू हट क्यों नहीं रहा? तभी सभी के जलाए हुए पटाखे जले, उसमें से रंगीन चमकी उड़ी और पटाखों से हैप्पी दिवाली का म्यूजिक सुनाई दिया। बच्चों ने इस अतरंगी पटाखे का मजा लिया। वाओ अमेजिंग, कितना अतरंगी पटाखा था, मैंने तो मिस कर दिया, मुझे भी चाहिए दिवाली का अतरंगी पटाखा। और फिर गट्टू ने चिंकी को अतरंगी पटाखा दिया। चिंकी ने जलाया और फिर ढेर सारी चमकी के साथ हैप्पी दिवाली का म्यूजिक बजा। ये पटाखा तुम कहाँ से लेकर आए गट्टू? तो बताओ चिंकी, कैसा लगा मेरा अतरंगी पटाखा? और तुम्हें पटाखे से डर भी नहीं लगा ना? हाँ गट्टू, अतरंगी पटाखा काफी मजेदार था। ये हमारे स्कूल के पास एक चाचा रहते हैं, उनका नाम किशोर चाचा है, उन्होंने ये घर पर बनाया है, और मैंने आप सभी के लिए अतरंगी पटाखा लाया। आप सबको कैसा लगा ये अतरंगी पटाखा? सब लोग गट्टू की बात ध्यान से सुनने लगे, और किशोरी चाचा की बात सुनकर सबको हैरानी हुई। किशोरी चाचा, क्या वो पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं पापा, वो अपने घर पर ही खुद पटाखे बनाते हैं, जो हानिकारक नहीं है, और जैसा कि आप सबने देखा, बाकी पटाखों से ज्यादा मजेदार है, इसीलिए मैंने सभी पटाखे उन्हीं से खरीद लिए। वेरी गुड गट्टू, बहुत अच्छी तरह से तुमने सोचा, और किशोर चाचा ने ये घर पर बनाया है, ये बात सुनकर और भी अच्छा लगा, ये हानिकारक भी नहीं है और मजेदार भी है। हाँ मम्मी, हैप्पी दिवाली वाला अतरंगी पटाखा। अतरंगी के साथ साथ ये पटाखा सतरंगी भी है। हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।